अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि मुझे आज छोड़ने जाना है मम्मा पापा माँ सबा बासिल को एयरपोर्ट। तो फटाफट से नहाते भाई, उसके बाद पढ़ते हैं नमाज। तो नहा धो के भाई मैं फुल रेडी हो चुका हूँ। मेरी तरफ से आप सबको 15 रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, यहाँ सब लोग जाने के लिए बस रेडी बैठे हैं। अब घर जो है भाई वो बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा। मम्मा पापा माँ सबा और बासिल के बगैर हमें इफ्तारी करनी पड़ेगी। ये लोग पीछे से भागते हुए आ जाएंगे, मैं चलता हूँ जल्दी जल्दी, फटाफट गाड़ी निकाल लेता हूँ ताकि हम आराम से एयरपोर्ट पहुँच सके। चलते हैं भाई अब डायरेक्ट एयरपोर्ट। ठीक है, 3 hours later वही एयरपोर्ट हम लोग आ चुके हैं। अल्लाह हाफिज पापा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज भाई जान, अल्लाह हाफिज। अब लोग का रोजा तो वहाँ पर खुलेगा, फिर जहाज से उतर के ही है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और वीडियो कॉल करते रहना, हमें भी दिखाना वहाँ का जरा नजारा। ठीक है, ओके ओके, बाय 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 बासिल तो सो रहा है यार, वो सो गया बासिल। अल्लाह हाफिज। वो जा रहे सब भाई हमें छोड़ के। हुसैन और मैं तो इसलिए नहीं गए भाई क्योंकि हमने तो मुर्गियां पाली हुई है, तोते पाले हुए बस जब ही नहीं गए, वरना तो जरूर जाते। तो चलते हैं भाई डायरेक्ट अपने घर, वहाँ से पकड़ते हैं अमीन को। अमीन को आज मुझे दिखाना है अपने मुर्गा और मुर्गी, क्योंकि अमीन को बहुत शौक है मुर्गे। मुझे तो टेंशन लग रही है यार कि मैं मुर्गों को अपने वहाँ पर खुला छोड़ के आ गया था, कुछ हो ना गया हो। बस जब भी मैं आता हूँ ना अपने मिनी वर्ल्ड हाउस से, मुझे ना टेंशन सी रहती है कि बस फटाफट जैसी सुबह हो मैं उनके पास चले जाऊँ। तो चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। 1 hour later Assalamualaikum अमीन। अमीन चलना है अपने मिनी वर्ल्ड हाउस, वहाँ तुम्हें भी दिखाऊँ अपने मुर्गे। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है, ऊपर जाओ, ऊपर ना पराठे पड़े हुए पीसेस में, मैंने सैरी में रखे थे अपनी मुर्गियों के लिए बचा के। तो फटाफट जाओ ऊपर से वो पराठे लाओ, भागो जल्दी। सैरी नहीं करवाना मुर्गों को खाना खिलाना है, पराठे खाएंगे ना यार। अच्छे सैरी वाले, जाओ भाग के लाओ, भाग के। मैंने अपने मुर्गों के लिए भाई पराठे रख लिए थे सहरी में, जो बच्चे थे पराठे उसके पीसेस कर लिए थे ताकि मैं मुर्गों को खिला सकूं। मुर्गे मुझे पता है कि पराठे शौक से खाते हैं। अच्छा, आ जाओ भाई आ जाओ, दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये क्या है, इसमें पराठे हैं क्या? पराठे स्लाइस दोनों। कितने मुर्गे खा लेंगे वैसे ये? चार पांच मुर्गे आराम से खा लेंगे। चलो वैसे भी हमारे पास 2 मुर्गियां हैं और 2 मुर्गे हैं, तो चारों को एक साथ ही दे देंगे खोल के, सही है ना। तो चलते भाई आप अपने मिनी वर्ल्ड हाउस। 1 hour later अस्सलामुअलैकुम। कहाँ गया भाई हमारा बॉडीगार्ड? वो रहा बॉडीगार्ड। आ जाओ अमीन, आ जाओ मुर्गे दिखाऊं। क्या बना है यार? ये हमने छत डलवाई है ना बारिश से बचने के लिए। कैसी लग रही है तुम्हें? VIP, ये बीच का एरिया देखो। हाँ, ये भी सही। अरे भाई ओए, मुर्गी ने अंडा दिया है। अमीन अब मैंने दरवाजा खोल दिया, अंडा सुकून के साथ तुम निकालो। माशाल्लाह मुर्गी ने अंडा दिया, पहला अंडा दिया। आ जाओ। वाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, पहला अंडा मुर्गी ने दिया है, माशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंडा देने वाली है। यहाँ पर पूरा यूं करके इसने गड्ढा करके बैठ गई थी अमीन। अच्छा, हाँ, तो ये जगह बना रही थी कि अंडा देगी, अंडा देगी। अब इस अंडा का क्या करें हम? इसको रखेंगे ना, अभी इसको घर लेके चलेंगे, रख देंगे इसको संभाल के, फिर जब ये कुड़क होगी ना उसके बाद फिर हम इसको अंडे पे बिठाएंगे। अभी बच्चे होंगे, याद से कुल्ला छूटेगी, इसके यहाँ पर जगह बनेगा अंडे देने के लिए। याद से खुला छोड़ दें इस मुर्गी को। हाँ, खुला छोड़ दो। वो रहा हमारा बॉडी गार्ड, इधर आओ, मैं तुम्हें अपने बॉडी गार्ड से मिलवाऊंगा। ये है हमारा इस मिनी वर्ल्ड हाउस का बॉडी गार्ड। अच्छा, सही है, इसको हमने खुला छोड़ा था, अब इसके साथ हमें मुर्गी को भी खुला छोड़ना पड़ेगा। मुर्गी को भी खुला छोड़, चलो छोड़ देते हैं बस। ठीक है, अपने तोतों से तो मिलने। माशाल्लाह खैरियत से भाई, सब खैरियत से। यार वो वहां से आवाजें दे रहा है, तुम उनका पिंजरा खोल दो ना, सबको बाहर निकाल दो अभी, सबको आजाद करो। अरे क्या हाल है मेरे मुर्गे। बॉडीगार्ड भाग रहा है, बॉडीगार्ड बॉडी करो पे। बड़ा फुर्तीला हो गया ये तो, भाग रहा है यहाँ पर, ये रनिंग सीख गया, भाग रहा है। कल तो फिर भी हाथ में आ रहा था, आज तो ये हाथ में ही नहीं आ रहा है। इधर आजा बॉडीगार्ड। लो भाई, नहीं पकड़ला मैं तुम्हें। ओए मुर्गी से डर रहा है। तुम कौन से बॉडीगार्ड हो जो तुम डर रहे हो? कैसे बनोगे तुम बॉडीगार्ड? कैसे अपनी ड्यूटी संभालोगे तुम? तुम तो अभी से डर रहे हो। लेकिन चलो कोई मसला नहीं, तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा हमें, ताकि तुम सबको बचा सको, खुद भी बच सको और सबको भी बचा सको। ठीक है,
पकड़ लिया मैंने माशाल्लाह सही है। हाँ अच्छा मुर्गा है माशाल्लाह माशाल्लाह से बाल उड़े हुए। इन लोगों ने चोंच मार मार के बाल उड़ाए। अच्छा। वरना तो इसके बाल थे, अगर हम इसको अकेला रखेंगे ना तो इसके बाल और आ जाएंगे। ये बाल आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, कुछ भी मसला नहीं है, आ जाएंगे बाल। अभी मैं तुम्हें ड्यूटी दे रहा हूँ, तुम मुर्गों का खाना, मुर्गियों का खाना और तोतों का खाना ये सब तुम चेंज करो जल्दी, फिर फटाफट निकलेंगे घर। घर जाके खुशी की खबर भी देंगे भाई, अंडा अपने साथ लेके जाएंगे कि ये देखो मुर्गी ने आज अंडा दिया है माशाल्लाह। बॉडीगार्ड खाओ बॉडीगार्ड, ये अभी से ही खाने लग गया। शाबाश शाबाश, खिला दो उसको। ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ। खाना रख दिया है भाई हमने इन लोगों के लिए। भाई जान तुम तो खा लो, तुम क्यों आगे पीछे भाग रहे हो, दोनों मुर्गियां खा रही है माशाल्लाह, तुम भी खाओ। आज मैंने अमीन की ड्यूटी लगा दी है दाना पानी चेंज करने की, वो इस वजह से क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुर्गी ने अंडा जो दिया है वो मैंने रख दिया भाई साइड में छुपा के ताकि टूट ना जाए। इन लोग को बताऊं मैं क्या करता हूं? ये देखो लाइन से जो तोते बैठे हुए ना, इनको मैं झूला झुलाता हूं, देखना झूलेंगे। टंग 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 टंग, कितना मजा आ रहा है इन लोगों को। तोतों का भी दाना पानी हमने चेंज कर दिया है। अमीन तोते कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? माशाल्लाह सही है। ये इतने बड़े पिंजरे में बहुत खुश है ये। चलो भाई मुर्गा मुर्गी हमारे जाने का टाइम हो गया है, खाना आ जाओ, मैं आप लोग का पिंजरे में रख रहा हूँ, उधर ही आ जाओ। ठीक है, दाना इनका इधर रख देते खाना, और इनके लिए बाजरा भी रखना है अभी हमें। ये जो डब रोटी हमने रखी है समझो इनका नाश्ता है, अभी इनके लिए बाजरा भी रखना है वो, ताकि ये रात में आराम से खा ले। चलो मुर्गा मुर्गी भाई हमने खाना रख दिया आपका अपने पिंजरे में, चलो चलो चलो। अबे ये तो जा ही नहीं रहा, क्या कर रहा है, इसके लिए बहुत पीछे भागना पड़ता है यार। उधर चलो उधर चलो उधर चलो, हाँ हाँ पिंजरे में जा पिंजरे में, शाबाश शाबाश। अरे जा रहे हैं, बात सुन रहे हैं ये तो बॉस की अपने। अरे उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है। अरे यार वो तो बात ही नहीं सुन रहा मेरी, तुम लोग ही सुन लो, तुम लोग ही वही बात रख लो। चलो चलो शाबाश, आपके कहने से नहीं आएंगे। अच्छा मेरे कहने से आएंगे, चलो देखते मैं इधर खड़ा हूँ, तुम जाके लाओ। नहीं आने वाले ये, काबू में नहीं आने वाले भाई। तो चलो अंदर अंदर अंदर, शाबाश 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 शाबाश। हाँ अब बाहर जो है भाई एक बॉडीगार्ड और मुर्गी साथ रहेगी, बाकी ये इसमें एक मुर्गा और एक मुर्गी हमने बंद कर दिया है। बॉडीगार्ड मुर्गी का ख्याल रखना तुम्हें, ठीक है? ठीक है। अपना कीमती सोने का अंडा उठा लेते हैं भाई, टूट वूट ना जाए, मुझे तो बस यही डर लग रहा है। मीन बस जल्दी से अपने हाथ धो और ये लो ताला लगा के बाहर आ जाओ। ओके अल्लाह हाफिज मेरे तोतो, अल्लाह हाफिज मेरे मुर्गो, बॉडीगार्ड अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंडा है भाई, गोल गोल। ये अंडा अब मैं जब घर जाके अपने मैनेजर हुसैन और यूसरा को दिखाऊंगा तो वो लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलते हैं भाई अंडे के साथ फटाफट घर। वन आवर लेटर। कोलो कोलो कोलो। वालेकुम अस्सलाम यूसरा, इधर तो आओ। एक चीज दिखाऊं तुम्हें, एक चीज दिखाऊं। मुबारक हो, मुर्गी ने अंडा दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हें खुशी हुई है? हाँ दे दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो थोड़ा सा आगे है पिंजरे के अंदर अंडा रखा हुआ, लेके आ गया। सैन को भी दिखाने के लिए, तुम्हें भी दिखाने के लिए। हुसैन सो रहा है, अभी हुसैन सो रहा है, उठा के इसको दिखाते हैं भाई हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है माशाल्लाह। मैनेजर साहब उठो उठो, मैनेजर साहब ये देखो मुर्गी ने अंडा दिया है माशाल्लाह, पकड़ के तो देखो कैसा है, बहुत अच्छा है अंडा। अंडा जैसा है वैसे होता है अंडा भाई। हमारी मुर्गी ने तो पहली दफा दिया है ना, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है ना, पहली दफा हमारे मिनी वर्ल्ड हाउस में किसी ने अंडा दिया है। अकेले खुद ब खुद चले गए, मुझे लेके क्यों नहीं गए? मैंने बोला घर पे कोई नहीं है इसलिए तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है। मैं वहाँ पर लेके गया था अमीन को। हाँ सही करा ना फिर मैंने? सही है। आज तुम्हें छुट्टी दे दी मैंने, बस तुम सो जाओ दोबारा से, आराम करो, ठीक है? अंडा बाद में सही से फिर देखना। मम्मा पापा लोगों को तो भाई यूसरा में खैरियत से छोड़ के आ गया था, उसके बाद मैं नीचे से डायरेक्ट चले गया था अमीन को लेके मिनी वर्ल्ड हाउस, वहाँ पर मिला था फिर ये हमें अंडा। पता चल गया था तुम्हें अंडे का? तो नहीं पता लगा था ना, हमारे जाने का पता लगा। अच्छा ये तो बताओ कि आज क्या प्लान है फिर इफ्तारी का, ये किस लिए बना रही हो तुम? ये शिमला मिर्च काट रही हो? बना के सामान फ्रीज कर रही हूं। अच्छा और आज हम दादी के घर जाएंगे। दादी के इफ्तारी करेंगे? कभी मम्मा पापा गए नहीं पहले से ही भाई इफ्तारी के प्लान बनना शुरू। आज दादी के घर जाएंगे, इसके बाद घर पे करेंगे। अच्छा आज दादी के घर करेंगे और कल हम फिर घर पे करेंगे। चलो ठीक है, ओके ओके, दादी के घर जाएंगे, दावत है, इफ्तारी है, अब तो दावत ही होगी ना। दादी के घर जाएंगे, ओए होए इफ्तारी करेंगे, ओए होए मजा बिल्कुल आएगा, ओए होए। देखें क्या, ये तो चिकन है भाई, शिमला मिर्च, मैंने गाजर और हरी
प्याज सब काट के रखा हुआ है, सब कुछ फ्रीज वो किस लिए रखा हुआ है? सब बना के मैं फ्रीज करके रख दूंगी ताकि अच्छा रिलैक्स हो जाऊँ। सही है सही है, जो हमारे 2-3 दिन है हमारे पास उसका सारा सामान तुम बना के रख लियो। शाबाश, गुड। 2-3 दिन का नहीं, मैं आगे कभी बना। ओ गुड, ये अंडा मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको संभाल के रखना है। ये मैं आपको सहरी में बना के दूंगी। बना के नहीं देना, ये अंडा भी संभाल के रखना है। इस पे हम मुर्गी को बिठाएंगे, इसमें से बच्चे निकलेंगे। अरे मैं लेके आ गया ना, वहाँ कहाँ रखता, वहाँ टूट जाता। मुर्गी के पास ही रख देते। नहीं नहीं, मुर्गी के पास रखना नहीं, मुर्गा तोड़ देता, मुर्गा अपने पंजे मार के तोड़ देता। जबी तो फटाफट अंडा उठा लिया। अभी भी तो ले जाके रखेंगे ना? अभी नहीं लेके जाके रखेंगे, जब और ज्यादा अंडे दे देगी ना ये, फिर उसको हम एक साथ बिठाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। तुम्हें तो नहीं पता ना मुर्गों के बारे में? भाई मुझे तो थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा, ये तुम संभाल के रखोगी या मैं संभाल के रखूं? अभी यहीं पे रख दे, मैं फिर रख। हाँ देखो, बिल्कुल एहतियात से, टूटने नहीं चाहिए, बहुत कीमती सोने का अंडा है ये। चल चूटा। सो गाइस, आज तो मुझे बहुत खुशी है भाई, हमारी मुर्गी ने आज जिंदगी का, मेरी जिंदगी का भी पहला अंडा मैंने देखा है भाई, मुर्गी को देते हुए। भाई हमारी मुर्गी जैसी हमने वहाँ पर मिनी वाला हाउस में रखी, तो अगले दिन ही उसने अंडा दे दिया। वाह भाई वाह, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत इस चीज की मुबारकबाद। अभी टाइम हो रहा है भाई 5:05, बस थोड़ी सी देर में हम दादी के घर चलते हैं इफ्तारी करने। अभी थोड़ी मैं एडिटिंग कर लूं, मेरी एडिटिंग रहती है। एडिटिंग ये है कि हम लाए अपने मिनी वर्ल्ड हाउस में फाइटर मुर्गे। अगर किसी ने नहीं देखा तो जल्दी से जाके ब्लॉग देख ले, आ चुका होगा। ठीक है। सुना, मैं ये अंडा भाई खुद अपने पास जाके रख रहा हूँ संभाल के। हाँ, अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के अंदर रख लें। ठीक है, कपड़ों के अंदर में रख के क्या करूंगा, ऐसी सेफ जगह पे रखूंगा, अलमारी के अंदर ही रखूंगा, लेकिन सेफ जगह पे रखूंगा जहाँ पर किसी की पहुँचना होगा। बच्चा बच्चा हाथ मार देता है ना अक्सर, अलमारी खोल लेते हैं, कैबिनेट खोल लेते हैं। बच्चे हैं फिर, मैं आपके अलावा कोई बच्चा नहीं है, इसे आप ही तोड़ देंगे। हाँ गजब बेइज्जती है। नहीं तोड़ दो, तुम तोड़ने की इतनी बातें कर रही हो, तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, तोड़ दो, ये लो तोड़ दो, हटो। बस जब से अंडा देगा भाई तोड़ने पे लगी गई उसरा, कि अंडा बस किसी तरीके से टूट जाए। मैं तो उसको संभाल के रख देता हूँ भाई, बिल्कुल। अंडे को कहाँ रखे? नहीं यहाँ रखते हैं, ये अब सेफ है बस। एडिटिंग भाई हमारी पूरी हो गई है, और मैनेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करना भूल ही गए थे आज हम तुमसे। सलाम बॉस, क्या ले आपके जी? क्या लिया? अंडा लिया है आज। अंडा, और अंडा तो ऐसा टाइट लाया, सोने का अंडा लाया। आप तो सोते सोते देख रहे थे, आपको मैं दिखाऊंगा इफ्तारी करने के बाद, जब हम घर आएंगे ना उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नहीं, आप तो फिर वो कल अंडा खा लोगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा, अंडा भी संभाल के रखना है, उसमें से बच्चे निकलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गुड्डो, बस ज्यादा बातचीत नहीं करते जी, जी। अभी हमें जाना है दादी के घर, चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही है। बुक तो रख दे, बुक पढ़ना होता है। अरे पढ़ेगी ना ये, पढ़ेगी। हाँ पढ़ती है, बहुत पढ़ ली लिखी बच्ची है। हाँ चलो चलो आ जाओ, सही से ताला लगाओ मैंने साहब। हाँ शाबाश, जाओ आ जाओ, तुम लोग क्या खड़े हैं यहाँ पर देख रहे हो? चलो 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 चलो। A few moments later. Time 6:21 हो गए, और इतनी देर में हम दादी घर आने, चलो चलो दादी गुस्सा ना हो जाए। सलाम दादी। ओ अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, सलाम सलाम करो, सलाम। नीचे इसको नीचे लाना पड़ेगा। उई, 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 शोर नहीं मचा भाई, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। रोजा नहीं खुलना हमारे साथ? हाँ मम्मा के साथ खुलना है। चलो ठीक है, सही है, मैं तो जा रहा हूँ भाई रोजा खोलने, क्योंकि हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया है। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आज की इफ्तारी में हमारे पास है पकोड़े, जूस, ब्रेड, समोसे, कचौरी। बोरा मैनेजर साहब कचौरी का ये तरकारी, समोसे, चाट, दही बड़े, छोले। माशाल्लाह माशाल्लाह दादी, इफ्तारी बहुत अच्छी है। इफ्तारी में हमारे पास से तो सिर्फ 5 मिनट रह गए। ये लो, ये लो मैनेजर साहब, ये लो खजूर। अब सकून के साथ मजे मजे की इफ्तारी करते हैं, देन फिर मिलते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ पर रोजा खोल ले माशाल्लाह। सो गाइस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं, इफ्तारी हमारी हो गई है खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी मुर्गी ने पहली दफा दिया है भाई अंडा, और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।